Question number 4. The fraction representing the shaded portion. A 3 by 8, B 1 by 2, C 6 by 6, C and D. None of these. Next question number. Number 5. 156 15.632 plus 14.9 is equal to what? A 30.532. none of these. C 1.2 or D 2.36. Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel, My Paathshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनुअल एग्जामिनेशन क्लास 6 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर. ये एक सीबीएसई स्कूल के क्वेश्चन पेपर है. अभी एग्जाम हुए हैं अभी. तो चलिए देख लेते हैं. जिन बच्चों के एग्जाम नहीं हुए हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा. आप देखिए 6 क्लास में किस प्रकार के इस स्कूल में क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं. यहाँ 80 नंबर्स का क्वेश्चन पेपर है और टाइम 3 घंटे का दिया गया है. जनरल इंस्ट्रक्शन है. क्वेश्चन नंबर 1, 38 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन ए बी सी डी ई. 2 सेक्शन ए कंप्राइज टू 20 क्वेश्चन. 1 से 20 तक जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के हैं और ये सभी मल्टीपल टाइप के 4 ऑप्शन दिए गए हैं और वो क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक सेक्शन ए में. फिर सेक्शन बी में आपका 5 क्वेश्चन है और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, वेरी शॉर्ट टाइप के हैं. एंड सेक्शन सी, इसमें 6 क्वेश्चन है और 3 मार्क्स के सभी क्वेश्चन है. एंड नेक्स्ट सेक्शन डी जो है हमारा, सेक्शन डी, ये इसमें 3 क्वेश्चन है और 4 मार्क्स के क्वेश्चन है. केस स्टडी बेस्ड टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं. एंड सी क्वेश्चन नंबर सेक्शन ई कंपाइज ऑफ क्वेश्चन 35 to 38, 5 मार्क्स के हैं एंड लॉन्ग आंसर है. चलिए स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 क्वेश्चन, 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन है. एरिया ऑफ स्क्वायर इज का लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, नन ऑफ दीज, या साइड इनटू साइड. क्वेश्चन नंबर 2, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 12 बाई 15 इज 4 बाई 5, 1 बाई 2, 5 बाई 6 या 9. ये सब बच्चों आप सॉल्व करके देखते जाएं कि आपको क्या क्वेश्चंस आ रहा है या नहीं आ रहा है. जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगी. तो अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पेपर देखेंगे, इसके सॉल्यूशन नहीं देखेंगे. चलिए आप देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ हैविंग न्यूमरेटर 9 इज 1 बाई 6, 9 बाई 5, 3 बाई 4 या नन. द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द शेडेड पोर्शन. ये शेडेड पोर्शन पूछा जा रहा है क्या है. नंबर 5, इसको हमको डेसिमल का प्लस करना है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इक्विवेलेंट रेशियो पूछा जा रहा है. 6:4 इक्वल टू क्या रेशियो इसका होगा, इक्विवेलेंट रेशियो क्या होगा. 1 मीटर इक्वल टू व्हाट, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं. 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 300 या नन ऑफ दिस. चलिए इसका आंसर मैं बता देती हूँ, 100 सेंटीमीटर. इसी प्रकार आपको एमसीक्यू सॉल्व करते जाना है. फिर इसमें यह डेसिमल का आपको सब्सट्रैक्शन है तो इसको आपको सॉल्व करना है. सब्सट्रैक्शन में आप ध्यान रखेंगे डेसिमल के नीचे ही डेसिमल डाल के फिर सब्सट्रैक्शन हमें करना है. विच पेयर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट, कौन सा फ्रैक्शन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है. ऑप्शन ए बी सी. नेक्स्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इज स्मॉलेस्ट, इसमें से कौन सा डेसिमल नंबर है जो सबसे छोटा है. क्वेश्चन नंबर 11, इफ टू रेशियो आर इक्वल वी से डैट दे आर इन, क्या कहलाता है. प्रोपोर्शन, रेशियो, नन ऑफ दीज, या ट्राइंगल. द अपोजिट ऑफ 80 सेंटीमीटर ईस्ट इज क्या हो जाएगा. 80 सेंटीमीटर वेस्ट, 80 सेंटीमीटर नॉर्थ, 80 सेंटीमीटर साउथ या नन ऑफ दीज. विच ऑफ द वेरिएबल इज एक्सप्रेशन 2y प्लस 67 क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 14, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2x लेंथ प्लस वीस्ट लेंथ इंटू ब्रेथ, नन ऑफ दीज, या 4 इंटू साइड. एडिशन, क्वेश्चन नंबर एडिशन दिए गए हैं. ये आपका एडिशन डेसिमल के एडिशन है जिसे हमें एक के नीचे एक रखकर व्यवस्थित डेसिमल के एडिशंस करने. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द ग्रेटेस्ट, इनमें से ग्रेटेस्ट ये क्या है हमें निकालना है. गिव एक्सप्रेशन फॉर 7 एडेड टू पी, इसको हम किस प्रकार एक्सप्रेस कर सकते हैं. नंबर 18, 2 किलोमीटर एंड 35 मीटर इक्वल टू क्या होगा.
इसमें हम क्या करेंगे, किलोमीटर्स को मीटर में चेंज कर देंगे, फिर इनको हम प्लस कर देंगे, तो इस प्रकार ये आंसर इसका आपका आ जाएगा। एक्सप्रेस द मिक्स फ्रैक्शन, इसको डिवाइड करके हम मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्रेस 45 पैसे इन रुपीज, 45 पैसे को हम रुपीज में कैसे बदलेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो पैसे में चेंज हो जाएगा, पैसा जो है रुपीज में चेंज हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन भी हम देख लेते हैं। राइट द ऑल इंटीजर बिटवीन द गिवन पेयर, इसके इंटीजर हमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इफ द कॉस्ट ऑफ 6 बॉटल ऑफ जूस 240, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 14 बॉटल ऑफ कॉस्ट, यानी 6 बॉटल का 240 रुपीज है, तो इसको पहले हम 1 बॉटल का निकालेंगे और फिर 14 बॉटल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना भी 1 बॉटल का निकलेगा उस अमाउंट को हम 14 बॉटल से मल्टीप्लाई कर देंगे। नलिनी वॉक 2 किलोमीटर एंड 563 मीटर इन मॉर्निंग एंड 2 किलोमीटर 15 मीटर इन इवनिंग, हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन द वॉक इन ऑल, तो इनको क्या करेंगे, सुबह में इन्होंने इतना किया और शाम में इतनी इवनिंग की, तो कितना डिस्टेंस इन्होंने कवर किया, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसमें हमें ध्यान रखना है किलोमीटर को किलोमीटर के साथ और मीटर को मीटर के साथ प्लस करते हुए हम इसका आंसर लिखेंगे। इफ देयर आर 25 ऑरेंज इन बॉक्स, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज इन द टर्म्स ऑफ द बॉक्सेस नंबर ऑफ एज, यूज बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस, कन्वर्ट द रेशियो 40:25 इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सेक्शन सी 3 ईच हो जाता है। 27, देयर आर 45% वर्किंग इन टेक्सटाइल मिल, इफ द नंबर ऑफ फीमेल इज 25 द रिमेनिंग मेल फाइंड द रेशियो ऑफ, पहला नंबर ऑफ फीमेल इज द नंबर मेल एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ फीमेल। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 45% से फीमेल इतने दिए गए हैं तो मेल हम निकाल लेंगे, 45 में से फीमेल को माइनस करेंगे तो मेल हमारा क्या हो जाएगा, 20। तो नंबर ऑफ फीमेल टू द नंबर ऑफ मेल इसको हमें बताना है, रेशियो में लिखना है, तो फीमेल का क्या हो गया 25, मेल का हो गया 20, 25:20 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ फीमेल, इसको आप निकालेंगे टोटल नंबर्स ऑफ करके। गिव एक्सप्रेस द फॉलोइंग केसेस, 14 एडेड टू 13 मीटर एक्स मल्टीप्लाई बाई -5, इसको हम सिंबल में लिखकर बताना है। 10 टाइम्स वाई टू विच 4 एडेड, फाइंड द क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 250 मीटर एंड विड्थ 175 मीटर एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर, एरिया ऑफ द कॉस्ट हमको निकालना है। तो हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर के हिसाब से हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। द मैन कवर्स जर्नी बाई कार 3 आवर्स, ही कवर्स डिस्टेंस ऑफ 64 मीटर एंड 32 मीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, 58 किलोमीटर एंड 56 ड्यूरिंग द सेवरल आवर्स एंड 62 किलोमीटर एंड 18 किलोमीटर थर्ड आवर, तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ जर्नी, इन सभी को आपको प्लस करना है, किलोमीटर एंड मीटर को एक साथ करते हुए प्लस कर लेना है। 31, ए पीसेज ऑफ रॉड मीटर लॉन्ग बिफोर लॉन्ग ब्रोक इनटू द टू पीसेज, वन पीसेज वाज मीटर लॉन्ग एंड हाउ लॉन्ग इज द अदर पीसेज, आप इसे सॉल्व करके हमें अवश्य बताएं कि आपका सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन डी आ जाता है, ये डाटा हैंडलिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं। मिस्टर राजन मेट पिक्टोग्राफ गिवन बिलिंग द शोइंग नंबर्स, सॉरी यहाँ नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ कार्स वॉश, यानी नंबर ऑफ कार इतने वॉशेस होते हैं, एक कार वन कार इक्वल टू 5 माना गया, यानी एक कार 5 कार के बराबर है इमेज के अनुसार। फ्राइडे को कितने हो रहे हैं, सैटरडे को एंड संडे को, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फ्रॉम द पिक्टोग्राफ फाइंड द हाउ मेनी कार्स वेयर वॉश इन संडे, संडे को कितने कार वॉश हुए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 कार है और एक कार की 5 है, तो 9 5 45। हाउ ऑन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार इन, सबके निकाल लेंगे उस हिसाब से हम बनाएंगे। On which minimum numbers of car wash, write the total number of car there in 3 days of together, तीनों डे में कितने कार्स आपके वॉश हुए इसको भी हमें लिखना है। तो एक कार जो है 5 कार के बराबर है, तो इस प्रकार हम कैलकुलेशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट, सी द गिवन फिगर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये स्क्वायर एंड रेक्टेंगल दिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ फिगर,
फाइंड द एरिया ऑफ फिगर दोनों का निकालना है, फिर फिगर हैज मोर एरिया, किसका मोर एरिया, एंड फाइंड द पैरीमीटर ऑफ फिगर वन, इसका हमें पैरीमीटर निकालना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, प्रेजेंट एज ऑफ मदर 42 ईयर्स एंड दैट हर डॉटर इज 14 ईयर्स, तो फाइंड द रेशियो ऑफ, इनका रेशियो निकालना है, परसेंटेज एज ऑफ मदर टू प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, सॉरी प्रेजेंट एज ऑफ मदर टू प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर हमें निकालना है, एज ऑफ मदर टू द एज ऑफ डॉटर व्हेन डॉटर वाज 12 ईयर्स ओल्ड, एज ऑफ मदर आफ्टर 10 ईयर्स टू एज एंड डॉटर आफ्टर 10 ईयर्स, एंड एज ऑफ मदर टू द एज ऑफ डॉटर व्हेन मदर वाज 30 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, इससे हमें देखना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम 16 देख लेते हैं। अ फ्लोर इन 5 लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, द स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज द लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर एंड नॉट कारपेट, फ्लोर का एरिया हमें निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन नंबर ए है, -7 एंड -3 को प्लस करना है, एंड वी विच नंबर इज द मूव ऑफ 4 नंबर्स ऑफ राइट 2 एंड 38, -2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, एंड डाई वाज द थ्रोन 20 टाइम्स एंड फॉलोइंग आंसर द ऑब्टेन, एक डाई है इसको 20 टाइम्स जो है फेंका गया है, तो प्रिपेयर टेली मार्क्स टेबल ऑफ द डेटा, इसको हम टेली मार्क्स डेटा के रूप में बताना है। तो इस ये आपका था एनुअल एग्जाम 6 क्लास का क्वेश्चंस पेपर, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि क्लासेस में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट, आप तैयारी कीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें उससे बताएं कमेंट करके, और पेरेंट्स प्लीज़ हमें बताएं आपको कौन सा क्वेश्चन बच्चे को दिक्कत आ रही है, तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर हमें वैसे बताएं जिससे मैं शॉर्ट करके आपको बता सकती हूँ, और नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं वीडियो में वो भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और प्लीज़ बेल आइकॉन अवश्य दबाएं जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, थैंक यू।